अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये चेक करें, ये पंजाब से तोहफा आया है और ये थोड़ा उन्होंने लड़ा बड़ा के चेक करा हुआ है भाई, और ये अच्छा है तो उन्होंने हमारे पास भिजवाया है। ये इसकी नदियां चेक करिएगा, ये उनके बहुत अच्छे मुर्गों के अंदर है। इसकी उम्र कितनी होगी? ये तकरीबन तकरीबन 9 से 10 महीने इसकी उम्र है उनके हिसाब से, क्योंकि ये उनके घर का निकला हुआ है, वो सही एज बताएंगे हमने। और ये टोटल पंजाब है, ये सब यानी के होते हैं चांद के अंदर भी, और ये अभी बहुत कमजोर हुआ हुआ है, अभी इसकी देखें इंशाल्लाह ताला खिदमत की जाएगी, और इसको फिर खुराक वगैरह लगाएंगे और फिर इसको ब्रीड के लिए इस्तेमाल करेंगे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुर्गी है हमारे घर की। ये देखें, शौक जो है ना मुर्गियों से होता है, ब्रीडर जैसे भी हों मुर्गी अच्छी होनी चाहिए तो नस्ल अच्छी होती है। ये मियां वाली हमारे शौक के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। ये इसकी आंख देखें, नीली धारियां हैं इसके अंदर, नोक देखें, थोड़ा सा चेहरा इन्होंने लड़बड़ के खराब कर लिया था, और ये इसके पंजे देखें। ये भी सिंध पंजाब मिक्स शौक है, ये तो ये हमारी मुर्गी है। ये जो ब्रीडर दिखाए थे मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर, तो ये उन्हीं के साथ जो है ना हम लगाते हैं, और ये उन्हीं के। कितनी मरतबा ये ब्रीड कर चुकी है? ये तकरीबन 3 दफा ब्रीड कर चुकी है और बहुत अच्छे बच्चे बनाती है। तो ये पंजाब से ताल्लुक इसका, पंजाब से गिफ्ट आया हुआ है ये, और बस ये देखिए शॉप देखिए। तो मुर्गी हाथ में रख के दिखाएंगे खुला कैसे। थोड़ा छोड़िएगा नीचे, सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चेक करें, ये एक पट्ठा है इनमें से, जो सबसे पहले नंबर पे आपको लाल वाला दिखाया था, बाप वो है, माँ पीछे दिखाएंगे अभी शॉप के अंदर। ये पट्ठा है तकरीबन ये मासूम बच्चा 7 से 8 महीने का बच्चा है, ये पेवर 80, ये पैर है इसके पक्का रंग है, तो ये मासूम बच्चा है भाई। वैक्सीनेशन रूटीन की हो रही होती है इनको, अभी फिलहाल ब्रीड के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, और बस ये छोटा सा शौक है हमारा। बताइएगा जरूर कैसा लगा कैसा नहीं लगा, समझे, क्योंकि बंदा सीखने के लिए सीखता रहता है, तो बहरहाल ये हमारा शौक है छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुर्गी चेक करें, मेरे घर की सबसे अच्छी जो पट्टी है, आंख देखें, नोक देखें, ये नरियां देखें, ये सूखी नली है, पक्का रंग है। ये जो इससे पहले वीडियो में दो पट्टे दिखाए थे, ये उनकी सगी बहन है, उसी झोली की बहन है, और अच्छी है माशाल्लाह। बाप इनका लाल है, रानीपुर वाला, सही है, और ये ब्रीड का ये नतीजा है हमारी, माशाल्लाह देखें, मेहनत अल्लाह पाक ने पूरा रंग लिया, ये बहुत अच्छी बच्ची है। तो इनको अभी ये इनकी ग्रोथ चल रही है, अभी ग्रोथ चल रही है ना, ये ब्रीडिंग के लिहाज से इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अभी मासूम से छोटे से बच्चे, ये तकरीबन। तो जहीम भाई, ये कितने अरसे के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं? तकरीबन मादी जो होती है वो 1.5 साल की उम्र के अंदर वो ब्रीड करने जैसी हो जाती है। कुछ मुर्गियां ज्यादा टाइम ले लेती हैं, कुछ होती हैं साल भर के अंदर ब्रीड करना शुरू कर देती हैं। तो फैसल भाई, बस ये है कि जिसामत और उम्र ताल्लुक रखती है ब्रीड के हवाले से। और ये रोस्टर जो है, ये कितनी उम्र में जाके ब्रीडिंग स्टार्ट करता है? ये तो आप अगर इनको 10 महीने का भी है तो ये समझ लें ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनको रोकना चाहिए वरना खराब हो जाता है। जब इनका वजूद हो जाए, जान में जान आए, तो इनको ब्रीड के लिए इस्तेमाल किया जाए वरना जानवर खराब हो जाते। आप लोग बताइएगा जरूर शौक कैसा लगा, कौन सी चीज ज्यादा ब्रीडर है, जरा इसको एक दम देखें आप लोग, ये इसकी आंख है, ये नोक देखें इसकी, ये पंजे देखिए, ये प्योर पंजाब है। उन साहब का बताइए, ये हमारे एक दोस्त है रहीम यार खान के अंदर, ये उनके वालिद ने भेजा है, ये उनका नाम है हाजी सुल्तान, समझे,
बहुत अच्छे शौकीन है कराची के, तो नहीं पंजाब के अंदर उनका एक अच्छा नाम है। समझे, शौक का जवाब नहीं है, इसके पल्ले चेक करिएगा, ये माशाल्लाह देखें। समझे, तो कहने का मकसद ये, वो अपने घर की कोई चीज देते नहीं है, ये एक मोहब्बत वाली बात है, ये उन्होंने हमें तोहफा भेजा है और इसके साथ ब्रीड निकलवा रहे हैं। तुम देखिए माशाल्लाह इसकी, ये टोटल सरिया हैं तुम के। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कौन सा अच्छा लगा। तो जैम भाई आप ब्रीडिंग के लिए रखते हैं सारे? टोटल ब्रीडिंग के लिए, लड़ाई लड़ाना भी देखें गुनाह है, और आप लोग भी गुरेज करा करें, ये अच्छे जानवर है और बहुत मासूम जानवर है, मासूम जानवर है। और आपस की बात है, इसके ऊपर एक हदीस भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था ये मुर्गा ये मेरे दोस्तों में है, तो कहा गया है कि इसको लड़ाना वैसे भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये शौक देखें आप, ये सिर्फ ब्रीड के लिए रखा हुआ है, तो आप लोग वैक्सीनेशन वगैरह इसको वही तमाम रेगुलर रूटीन की वैक्सीनेशन होती है, और जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहे होते हैं हम इसकी जो एंटीबायोटिक होती है वो दी जाती है, जरूरत पड़ने पे दी जाती है, लेकिन वैक्सीन हर 6 महीने बाद की जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे शौकीन है जो तरीके से गाइड कर लेते हैं, इतना शौक हमारा नहीं, जद्दी पुश्ती नहीं है, कहिए जितना जितना जानते हैं वो आपको शेयर भी कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में कुछ बताइएगा जरूर, जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम या पूछना हो तो ये एक नजर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा एक ब्रीडर है और ये कराची किंग की भी लड़ाई लड़ा हुआ है, सिंध के अंदर भी ये एक अच्छी लड़ाई लड़कर आया हुआ है, ये तकरीबन 4 मुकाबले जीता हुआ है। लड़ाई अच्छी चीज नहीं है भाई, अब हमने इसको सिर्फ ऐसा नस्ल के लिए इस्तेमाल किया है ब्रीडर के तौर पे। इसकी ये देखें, इसकी ये नरियां हैं, ये इसका चेहरा देखिए, इसका चेहरा, ये इसके दुम है, इसकी तकरीबन एज 4 साल तकरीबन इसकी एज है। और बाकी नॉर्मल रूटीन में इसकी वैक्सीनेशन करते हैं खुराक के हवाले से। फीड क्या देने हैं अजीम भाई इसकी? हजरत इसको फिलहाल तो दाना दे रहे हैं और पिस्ते वगैरह देते हैं, तकरीबन 10 पिस्ते सुबह देते हैं, 10 पिस्ते रात में दे देते हैं। और वैक्सीनेशन में क्या दे रहे हैं आप इसको? वैक्सीनेशन के अंदर मंथली तो कोई खास नहीं, इसकी 6-7 महीने के हवाले से एंटी लसूटा के नाम से और कुछ फ्रांस की कुछ वो वैक्सीन आती है, वो तकरीबन हर महीने तो नहीं 6 महीने के वक्फे से करते हैं। और रूटीन के हवाले से जैसे मौसम तब्दील हो रहा होता है तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो इस हवाले से मैं आपको और बाकी के जानवर दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक मुर्गी है मेरे घर की, काली मुश्की, आंख नोक नली ये जो है ना सब काली है इसकी, और इसका जवाब नहीं है माशाल्लाह मुर्गी का। ये अलग अलग जगहों से शौक इकट्ठा किया हुआ, ये तकरीबन 12 अंडों में बैठी हुई है। अच्छा आप ये देख रहे होंगे इसकी नाक के अंदर मैंने एक टिंके टाइप का डाला हुआ है, ये दोस्तों इसलिए डाला हुआ है कि ये अंडे खाती है। लोग कहते हैं ऊपर की चोंच काट दो, चोंच काट के जानवर खराब हो जाता है, तो हमने इसका ना चोंच काटी ना कुछ किया, बस ये नाक के अंदर इसी का पर निकाल के डाल दिया, तो ये 12 अंडों में इंशाल्लाह ताला बैठी है, अल्लाह पाक साफ खैरियत के बच्चे निकलवाए, तो फिर इसके बच्चों की भी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 5वां जानवर है मेरे घर का, पट्ठा है, और ये इसको ये शौक कराते हैं भाई, ये देखिए इसकी ये आंख देखिए, ये इसकी नोक देखिए, पंजे देखिए भाई, भाई ये भी मासूम बच्चा है, तकरीबन 9 से 10 महीने, हाँ तकरीबन 10 महीने का बच्चा है ये। ये अभी ब्रीडिंग के लिए प्रोवाइड नहीं है, ना ब्रीड किया है इसने अभी, ये अभी छोटा है और इसकी ग्रोथ चल रही है, इसकी अभी ग्रोथ चल रही है, और रूटीन वैक्सीनेशन होती है और दाना भी खा रहा है अभी, ना इसको पिस्ते दिए ना बादाम दिए, थोड़ा कमजोर है, तो बहरहाल ये हमारा छोटा सा नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत एक्टिव है, ये मेल है फीमेल है? ये मेल, अच्छा। ये फीमेल है, ये फीमेल है, और वो ये मेल है, आपके जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह,
ये पेयर है, ये पेयर बोलते हैं माशाल्लाह से, ये बोलते हैं, ये मार्केट से लिए हैं, लेकिन ये छोटे थे, लेकिन ये बच्चों वगैरह को काटते नहीं, पर वगैरह पूरे हैं, ये ऐसे छोड़े हैं।